हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस नए टॉपिक पर हम आपसे बात करने वाले हैं अपार आईडी कार्ड के बारे में। यानी कि बहुत से वीडियोस यूट्यूब पे हमने देखे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि अपार आईडी कार्ड एक तरफ से सभी का बनना अनिवार्य है, लेकिन दोस्तों हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि किस किन किन लोगों का अपार आईडी कार्ड बनना जरूरी है और किन लोगों का अपार आईडी कार्ड बनना नहीं जरूरी है। सबसे पहले हमेशा की तरह अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नए अपडेट्स पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर हम हिंदुस्तान टाइम के आर्टिकल पर नजर डालेंगे, देखेंगे अपार आईडी कार्ड के बारे में इन्होंने क्या बताया है। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है, स्कूली बच्चों का अपार आईडी नंबर बनवा रही है मोदी सरकार, पढ़ाई से नौकरी तक ऐसे आएगा काम। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि बच्चों के लिए मोदी सरकार अपार आईडी कार्ड बनवा रही है। अब यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल करके इसको पढ़ेंगे, देख सकते हैं लिखा हुआ है, केंद्र सरकार आधार नंबर की तरह स्कूली बच्चों का अपार आईडी नंबर बनवाने जा रही है। यह भी एक तरह की यूनिक आईडी होगी, इसमें बच्चों की पूरी जानकारी होगी। यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अभी तक कि आपका जो बच्चों का अपार आईडी कार्ड है वो बनेगा। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, केंद्र की मोदी सरकार अब एक देश एक स्टूडेंट आईडी योजना लाने जा रही है। आधार की तरह हर स्कूली बच्चे का अपार आईडी कार्ड बनाया जाएगा। अपार आईडी कार्ड में बच्चे की एक एक जानकारी होगी, नाम पता जन्मतिथि फोटो ही नहीं, इसमें बच्चे के खेल कूद की गतिविधियां, एजुकेशन लोन स्कॉलरशिप अवार्ड आदि की भी पूरी जानकारी होगी। इस कार्ड को बनाने के लिए बच्चों के अभिभावकों से पहले सहमति ली जाएगी। यहाँ पर अभिभावकों आ रहा है, यानी कि बच्चों केवल बच्चों का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है अपार आईडी कार्ड में। बच्चों को एक तय फॉर्मेट का फॉर्म दिया जा रहा है, इस फॉर्म को अभिभावकों से भरवा कर जमा कराया जाएगा, इसके बाद कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड की खासियत यह भी होगी कि किसी भी छात्र का एक बार कार्ड बनने के बाद अगर स्कूल बदल भी जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यही कार्ड हमेशा काम आएगा। इसका नंबर आधार की तरह ही यूनिक होगा, जिसका इस्तेमाल भविष्य में बच्चों को हर जगह करना अनिवार्य होगा। यानी कि आने वाले समय में बच्चों के लिए अपार आईडी कार्ड बहुत ही आवश्यक होने वाला है। अपार आईडी कार्ड से सारी डिटेल आपकी मिल जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, अपार आईडी नंबर क्या है। अपार आईडी कार्ड का मतलब ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री है। कहा जा रहा है कि इसके बन जाने से सरकार को बच्चों की भविष्य को लेकर योजनाएं बनाने में सुविधा होगी। देश के सभी स्कूली बच्चों की अपार आईडी बनेगी। अपने नाम के अनुसार यह आईडी नंबर परमानेंट होगी, यानी एक बार जो आईडी नंबर मिल गया वो हमेशा काम आएगा। अगर बच्चा एक ही जिले में स्कूल बदले या देश के किसी भी जिले में स्कूल में एडमिशन ले तो केवल अपार नंबर डालने से उसका पूरा डिटेल सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अपार आईडी केवल बच्चों के लिए बताया जा रहा है कि बनाई जाएगी। इसमें यह होता है कि जितनी भी डिटेल्स होती है बच्चों की वो सेव करके रखी जाएगी, और अगर स्कूल बदलता है, बच्चा दूसरी जगह एडमिशन लेता है या कोई फॉर्म ऑनलाइन करता है, तो उसमें आधार अपार कार्ड नंबर जो है डालने से उसकी सारी डिटेल ऑटोमेटिक उसमें फिल हो जाती है, जिससे कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे, एक छोटी सी हेडलाइन से लिखा हुआ है, देख सकते हैं कि अपार कार्ड बनाने के लिए पहले आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना जरूरी है। अपार आईडी कार्ड बाद में बनेगी, पहले आपको आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं, एक बार अपार आईडी बनने से बच्चों को एक से दूसरे स्कूल या एक से दूसरे जिले में जाकर किसी गतिविधि में हिस्सा लेने में आसानी होगी। इसके साथ ही सरकार को इस आईडी के जरिए बच्चों के बारे में जानने का मौका एक क्लिक पर ही मिल जाएगा। यहाँ पर हमने बताया कि जितनी भी डिटेल्स है सारी यहाँ अपार आईडी में जब फिल हो जाएगी तो बस एक क्लिक में सारी डिटेल कहीं भी अगर जाएंगे वहां पर शो हो जाएगी। छात्र की शैक्षिक और गतिविधियों के साथ ही उनकी अन्य गतिविधियों जैसे खेल अवार्ड आदि की जानकारी आसानी से मिल सकेगी। इसके साथ ही स्कूल छोड़ने वाले बच्चों की भी जानकारी मिलती रहेगी। इस आईडी से डिजी लॉकर इकोसिस्टम भी बन सकेगा। इसमें छात्र अपने रिपोर्ट कार्ड, हेल्थ कार्ड, ओलंपियड, खेल और अन्य योगदानों का डेटा भी जगह पर रख सकता है, एक जगह पर रख सकता है। यानी कि जितना भी डाटा होगा खेल कूद से लेकर जितनी भी आपकी गतिविधियां होंगी सारी इस आईडी में आप फिल करके रख सकते हैं, ताकि किसी भी स्कूल में जाने के लिए या फिर कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा आपसे प्रूफ मांगने के लिए यहाँ पर जैसे ही आप इस अपार आईडी को दें तो सारी डिटेल आपकी वो एक क्लिक में ही सारी शो हो जाए। तो केवल बच्चों के लिए यहाँ पर अपार आईडी बनाने के लिए सरकार बता रही है, न कि एक तरफ से सभी का अपार आईडी कार्ड बनवाना है। यानी कि गार्जियंस भी अगर अपना अपार आईडी कार्ड बनाएंगे तो उसमें वो क्या फिल करेंगे, अगर फिल भी करेंगे तो आप बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बना सकते हैं, लेकिन ज्यादा अगर किसी की जरूरत है तो यहाँ पर बच्चों के लिए अपार आईडी कार्ड बनाने के लिए आवश्यक है। तो आज के इस वीडियो में हमने बताया कि अपार आईडी कार्ड किन लोगों के लिए आवश्यक है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।